एक बार हम सब खड़े होके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और देश के SSC रक्षा मंत्री का अभिनंदन करेंगे। पराकाष्ठा कर रहे हैं कहते हमारे महेश श्रीवास्तव जी, हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ साथी भाई अनिल राजभर जी, हमारे वरिष्ठ नेता भी और कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य मानी सिंह राजेंद्र प्रसाद सिंह मोदी सिंह जी, हमारे साथी 2012 से विधानसभा में और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री रविन्द्र जायसवाल जी, हमारे दूसरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप भी सुनना चाहते, मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं दो बातें आपसे कहकर के अपनी बात को पूरा करूँ। अभी जब मैं मंच पे आया तो मैंने कहा भारत माता की जय। मैं चाहता हूँ कि 2022 में जो 2014 से पहले मंदिर में सीध झुकाने से शर्म आती थी, संगम में तुम्हारे डुबकी लगाने से जिन्हें लगता था कि उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, जिन्हें लगता था कि किसी हिंदू त्योहार पर कोई व्यवस्था अलग करती तो इससे हमारा वोट बैंक गुस्सा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप भी शायद चाहते होंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि इन चुनाव का परिणाम मेरे भाई बहनों भाजपा की विचारधारा की विजय आपके परिश्रम का परिणाम है। प्रचंड बहुमत से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें देकर के एक बेहतरीन जीत दिलाई थी। स्वाभाविक रूप से 2022 का चुनाव देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है और कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी, कौतूहल और आश्चर्य इस बात को लेकर के जितने भी भाजपा विरोधी हैं और अब तो ये विरोध उस हद तक जा चुका है कि जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं वे सब एक ओर ध्रुवीकरण उनका हो रहा है और दूसरी तरफ आप सबके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में भारत की आन बान और शान की रक्षा करने वाले एक एक कार्यकर्ता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ आप इस पूरी लड़ाई में राष्ट्र सापेक्ष और राष्ट्र निरपेक्ष उन लोकप्रिय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अखंडता के प्रतीक, भारत के गणराज्य भारत के शिल्पी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ था और उस जयंती के कार्यक्रम के माध्यम से लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान दे रहा था। दूसरी तरफ आपने वे स्वर भी सुनाई दे होंगे जिन्होंने राष्ट्रनायक लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से राष्ट्र तोड़क जिन्ना की तुलना करके भारत को और भारत के प्रत्येक राष्ट्रभक्त को अपमानित करने का कार्य किया था। हम सबको भूलना नहीं चाहिए ये राष्ट्र तोड़क तत्व, ये वही लोग हैं जो 2017 के पहले सत्ता की भारत माता की वंदे 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 भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के भूसक्ष सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, विधान परिषद के सभी मान्य सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश क्षेत्र और जनपद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और प्रत्येक बूथ से उपस्थित प्रभावी तरीके से किस तरीके से काम लेना चाहिए या कला के कारण ही आज 15,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचों का विकास उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ हो रहा है। एक सेवा का आपने देखा होगा, एक ऐसा एयरपोर्ट बना, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है मेरे भाई, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं क्या, हमने जो किया था वो योगी जी कर रहे हैं, हमने जो शुरुआत की थी उसका पिता योगी जी का, मोदी जी का। धड़ाधड़ बैटिंग करते जाइए क्रिकेट, प्रधानमंत्री कह रहे हैं जरूर बल्लेबाज है, और कान में धीरे धीरे यह कह रहे थे योगी जी, योगी जी चिंता करो, थोड़ा अक्सर गलती करके चले जाओ, आपको कोई रिटायर्ड हर्ट नहीं कर सकता। जो फोटो चला रहा है योगी और मोदी वाला वो एक बोला, आज के इस अवसर पर मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करता हूं, और भाइयों बहनों अभी से अपने अपने बूथों का प्रबंधन करने की दिशा में आप सब अग्रसर होंगे इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय जय श्री राम। यह नहीं है कि किसी के पास है, केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो तो और किसी के पास है नहीं। विकास का जहां तक सवाल है, विकास के मामले में भी हमारी पार्टी के जोर है, क्या कभी आपने कल्पना किया? मैं नौजवान दोस्तों से भी पूछना चाहता हूं, बुजुर्गों से भी पूछना चाहता हूं, आपने कल्पना नहीं किया होगा एक दिन वह भी आएगा भारत में एक ऐसा माना लाल भारत का प्रधानमंत्री करेगा जो यह संकल्प लेगा हिन्दुस्तान में एक जिला भी शेष नहीं बचेगा जिस जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज लगन जाए, रहने वालों ऐसा एक भी जिला शेष नहीं बचेगा, क्या इसकी कल्पना आपने करेंगे? यही उत्तर प्रदेश